तो रिसेंटली मार्वल ने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर रिलीज किया एंड आई नो तुम उसी सीक्रेट इन्वेजन की फुल स्टोरी को देखने के लिए इस वीडियो पे आए हो और एग्जैक्टली तुम लोगों को वही मिलेगा। और अगर तुम अपने दोस्तों के सामने अपनी कॉमिक नॉलेज फ्लॉन्ट करना चाहते हो विदाउट एनी रीडिंग फुल कॉमिक तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए है। तो सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी सिविल वॉर 1 के बाद शुरू होती है जब सुपर हीरोज के दो ग्रुप्स बन गए थे। एक वो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ थे जिनका लीडर ल्यूक केज था क्योंकि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई थी। ये ग्रुप फ्यूजिटिव्स की तरह रह रहे थे और खुद को सीक्रेट एवेंजर्स नाम दिया था। और दूसरा ग्रुप वो था जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ था और इस एवेंजर्स ग्रुप का लीडर आयरन मैन था। आयरन मैन इस टाइम पे शील्ड का लीडर भी था जिसे पता चलता है कि इलेक्ट्रा नाम के सुपर हीरो की जगह एक स्क्रल उसे इम्पर्सनेट कर रहा था। और रिसर्च करने पे उन्हें पता चलता है कि वो ये नहीं बता सकते कि कौन स्क्रल है और कौन नहीं और सिर्फ मरने के बाद ही स्क्रल्स अपनी रियल फॉर्म शो करते हैं। एक फुल ऑन इन्वेजन की डर की वजह से आयरन मैन रीड रिचर्ड और हैंक पिम को बुलाता है ताकि वो इस स्क्रल बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके जिसे उन्हें स्क्रल्स को पहचानने में आसानी हो। पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही आयरन मैन को एक मैसेज आता है कि स्क्रल्स का स्पेसशिप सैवेज लैंड में गिरने वाला है। अगर आपको सैवेज लैंड के बारे में नहीं पता तो आप समझो ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एक प्री हिस्टोरिक टाइप का लैंड है जहाँ पे एवोल्यूशन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। अब आयरन मैन एवेंजर्स को असेंबल करके शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है और वहीं मिस्टर फैंटास्टिक और हैंक पिम एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखते हैं। इस शिप की खबर सुनने पे ल्यूक केज भी इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है और वो भी अपनी सीक्रेट एवेंजर्स टीम लेके सैवेज लैंड पहुंच जाता है। अब ल्यूक शिप को यहाँ से ही खोलना चाहता था बट आयरन मैन उसे अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो अभी भी फ्यूजिटिव्स है। बट मिस मार्वल इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तभी सेवरल स्क्रल स्लीपर एजेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड हेडक्वार्टर्स शील्ड हेलीकैरियर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। बैक्स्टर बिल्डिंग को नेगेटिव जोन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और एक स्क्रल स्लीपर एजेंट जिसने जारूस की जगह ली थी आयरन मैन के सूट में एक एलियन वायरस अपलोड करता है जिसे टोनी अपने सूट का कंट्रोल खो देता है और वो गिर जाता है। और इसी बीच स्क्रल्स का शिप ओपन होता है और हम देखते हैं बहुत सारे एवेंजर्स के हम शक्ल जो कि खुद को रियल एवेंजर्स बता रहे हैं उस शिप से निकलते हुए। वहीं रीड रिचर्ड्स को लगता है कि उसने एक तरीका ढूंढ लिया है जिसे वो स्क्रल्स को ह्यूमन फॉर्म में पहचान सकता है बट किसी को भी कुछ बताने से पहले ही हैंक उस पे अटैक कर देता है और रिवील करता है कि वो खुद एक स्क्रल है। अब सैवेज लैंड में आयरन मैन के एवेंजर्स और सीक्रेट एवेंजर्स एक साथ स्क्रल इम्पर्सोनेटिंग एवेंजर्स से लड़ रहे हैं बट किसी को कुछ पता नहीं कि कौन रियल है और कौन फेक। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सुपर स्क्रल्स का एक ग्रुप पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सुपर स्क्रल्स ऐसे स्क्रल्स है जिनके पास 5-6 सुपर पावर्स एक साथ होती है। अब शील्ड हेलीकैरियर जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था बर्म्यूडा ट्रायंगल में गिरता है जहां जिसमें एजेंट मारिया हिल अपने कुछ सोल्जर्स के साथ निकलने की कोशिश करते हैं पर डेक पे उन्हें वही स्क्रल मिलता है जो कि जारवस को इम्पर्सनेट कर रहा था। वो उनसे सरेंडर करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक पिम जो कि रियलिटी में स्क्रल है एवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम में से यंग एवेंजर्स को रिक्रूट करता है ताकि वो न्यूयॉर्क में मौजूद सुपर स्क्रल से लड़ सके क्योंकि वहां पर प्रेजेंट एवेंजर्स की बुरी तरह से धुलाई चल रही थी। पर न्यू एवेंजर्स के आने से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ कैरल डैनवर्स आयरन मैन को सैवेज लैंड के एक अननोन लैब में ले जाती है ताकि वो अपना सूट ठीक कर पाए और आयरन मैन वहां पे मौजूद टेक का यूज करने लगता है। और इसी बीच उसे स्पाइडर वुमन दिखती है जो कि उसे कहती है कि वो एक्चुअली स्क्रल्स की क्वीन है और आयरन मैन भी खुद एक स्क्रल है जिसकी मेमोरी को वाइप आउट किया गया है। आयरन मैन बिलीव नहीं करता पर स्पाइडर वुमन कहती है कि सिविल वॉर के इवेंट को भी पूरा स्क्रल्स ने ऑर्केस्ट्रेट किया था ताकि अर्थ के हीरोज डिवाइड हो और स्क्रल्स का इन्वेजन अर्थ पे आसान हो जाए। आयरन मैन कुछ भी बिलीव नहीं करना चाहता क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आयरन मैन जैसे इंटेलिजेंट सुपर हीरो को भी किसी ने मैनिपुलेट किया। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में सुपर स्क्रल्स एवेंजर्स की बैंड बजा रहे होते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे पर तभी वहाँ पे निक फ्यूरी अपने शील्ड के कुछ बचे कुछ कमांडोस के साथ आ जाता है और फाइट शुरू करता है। और वही हमें पता चलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक को स्क्रल्स ने प्रिजनर बना के रखा है अपने एक स्पेसशिप में। वही न्यूयॉर्क के बैटल में निक फ्यूरी के कमांडोस यंग एवेंजर्स और एवेंजर्स इनिशिएटिव के नए एवेंजर्स मिलकर सुपर स्क्रल्स और बाकी स्क्रल आर्मी पे भारी पड़ने लगते हैं और फाइट के बीच में मिस मार्वल निक फ्यूरी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आती है पर निक फ्यूरी उसे स्क्रल मान उस पे अपने लेजर गन से अटैक कर देता है पर उसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो रियल मिस मार्वल है। अब इस टाइम में कॉमिक्स में कैरल डैनवर्स मिस मार्वल के नाम से जानी जाती थी ना कि कमाला खान, ये बात आप ध्यान में रखना। वहीं दूसरी तरफ सैवेज लैंड में स्क्रल क्वीन आयरन मैन को कन्विंस कर रही होती है कि वो भी एक स्क्रल है बट तभी ब्लैक विडो ये सब सुन लेती है पर उसके कुछ करने से पहले ही वहाँ पे जीन ग्रे और बीस्ट आ जाते हैं ब्लैक विडो को रोकने के लिए पर ब्लैक विडो इन दोनों को हरा देती है और हमें पता चलता है कि ये दो एक्चुअल में स्क्रल्स थे
पर इसी हड़बड़ी में स्पाइडर वुमन AKA स्क्रल एम्प्रेस वहाँ से भाग जाती है और ब्लैक विडो टोनी से कहती है कि उसके स्पाई सेंसेस उसे कह रहे हैं कि वो कोई स्क्रल नहीं है, स्क्रल एम्प्रेस बस तुम्हारा दिमाग खराब कर रही थी। और इसी बीच वहाँ वुल्वरीन भी आ जाता है और तीनों सिचुएशन को डिस्कस करने लगते हैं। टोनी कहता है कि उसने मिस मार्वल को न्यूयॉर्क भेजा था ताकि उसे न्यूयॉर्क की हालत के बारे में पता चले। वुल्वरीन कहता है कि उन्हें मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें उसे जल्दी ढूंढना होगा। वहीं ब्लैक विडो आयरन मैन से उसका सूट ठीक करने को कहती है क्योंकि अभी तक सारे स्क्रल्स को उनकी पोजीशन के बारे में पता चल गया होगा और उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्ड की हेड एजेंट ब्रांड पता नहीं कैसे बट स्पेस में सर्वाइव कर पा रही थी और उसी स्पेसशिप पे आ पहुंचती है जहां मिस्टर फैंटास्टिक को प्रिजनर बना रखा था और वो मिस्टर फैंटास्टिक को रेस्क्यू करने का मिशन बनाती है। वहीं दूसरी तरफ द हुड और बाकी विलन से डिसाइड करते हैं कि वो अब हीरोज की हेल्प करेंगे क्योंकि अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई तो वो अपना बिजनेस कहां चलाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉर और कैप्टन अमेरिका जो कि स्क्रल से लड़ने के लिए आते हैं, बट हैरानी की बात यह है कि कैप्टन अमेरिका तो सिविल वॉर इवेंट में मारा गया था तो ये वाला कैप्टन अमेरिका है कौन। वहीं थंडरबोल्ट मोटैन पे कैप्टन मार्वल जो कि एक्चुअली एक स्क्रल है अटैक कर देता है थंडरबोल्ट के मेंबर्स पे। ये कैप्टन मार्वल कैरल डेनवर्स नहीं क्री वॉरियर वाला कैप्टन मार्वल है क्योंकि कैरल डेनवर्स अभी मिस मार्वल के नाम से जानी जाती है और कमाला खान अभी तक कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। थंडरबोल्ट मोटैन थंडरबोल्ट टीम का बेस ऑफ ऑपरेशंस था और थंडरबोल्ट मिसफिट विलेंस की एक सुपरहीरो टीम है और इस टीम का लीडर नॉर्मन ऑसबॉर्न देखता है कि कैप्टन मार्वल किसी भी थंडरबोल्ट मेंबर को मार नहीं रहा क्योंकि वो खुद को रोक रहा था किसी भी मेंबर को जान से मारने पे। इसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे ये बात पूछता है तो कैप्टन मार्वल कहता है कि रीसेंट टाइम तक उसे पूरा यकीन था कि वो एक सुपरहीरो है बट कुछ टाइम पहले ही वो एक्टिवेट हुआ और उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली एक स्क्रल स्लीपिंग एजेंट है बट वो अभी भी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो किसी भी थंडरबोल्ट मेंबर को जान से नहीं मार पा रहा था। ये कहने के बाद स्क्रल कैप्टन मार्वल फाइट करना छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। न्यूयॉर्क में निक फ्यूरी सारे सुपर हीरोज को अपने बेस पे इकट्ठा करता है और वो अपने स्क्रीन पे ब्रॉडकास्ट होते देखते है कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज जो कि एक्चुअल में स्क्रल्स है एक लंबा चौड़ा बयान देने लगते है जिसका सिंपल मीनिंग था कि सरेंडर करो वरना तुम सब मारे जाओगे। ये एक टाइप की वार्निंग दे रहे थे अर्थ के लोगों को। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में एजेंट ब्रांड मिस्टर फैंटास्टिक को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हो जाती है पर वो अंडर अटैक आ जाते हैं कुछ स्क्रल शिप्स के। पर मेन टाइम पे वहाँ पे कैप्टन मार्वल आ जाता है और उन स्क्रल स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि चाहे वो एक स्क्रल हो पर उसका जमीर उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय या डोमिनेट करने की इजाजत नहीं दे रहा होता है क्योंकि डीप डाउन वो स्टिल एक हीरो है। और मिस्टर फैंटास्टिक और एजेंट ब्रांड अर्थ पे वापस आ जाते हैं टू सेव द डे। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो एजेंट हिल अभी भी शील्ड हेलीकैरियर में फंसी थी जो कि बरमूडा ट्रायंगल में गिरा था। एजेंट हिल एक लाइफ सेवर मॉडल का यूज करके पूरे हेलीकैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है खुद एस्केप होने के बाद। वही सैवेज लैंड में डिफरेंट सुपर हीरोज इस परेशानी से जूझ रहे थे कि कौन रियल है और कौन स्क्रल है बट तभी वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक आ जाता है जो कि एक एनर्जी बीम शूट करता है जिसे हर कोई बीइंग अपने रियल फॉर्म में चेंज होता है और ये देखना आसान हो जाता है कि कौन स्क्रल है और कौन ह्यूमन, जिसके बाद रियल सुपर हीरोज के लिए फाइट और आसान हो जाती है। और हाँ बाय द वे आयरन मैन स्क्रल नहीं था। इसके बाद हमें स्क्रल कैप्टन मार्वल को दिखाया जाता है जो कि एक एक्सप्लोजन में मारा जाता है बट मरने से पहले वो मार्वल बॉय से अर्थ को बचाने के लिए कहता है क्योंकि स्क्रल्स ने कुछ बहुत ही डेंजरस प्लान बना रखा है अर्थ के लिए। वहीं पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि डिफरेंट सुपर हीरो स्क्रल से लड़ रहे हैं, जहां ब्लैक पैंथर वकांडा में स्क्रल से लड़ रहा है, चाइना इसराइल हर एक कंट्री के सुपर हीरो स्क्रल से लड़ रहे थे बट आयरन मैन और निक फ्यूरी आपस में कॉन्टेक्ट करके सारे सुपर हीरोज को न्यूयॉर्क में जमा करते हैं ताकि वो स्क्रल्स का सामना कर सके। और इस सुपर हीरो टीम को पहले तो हुड और बाकी विलन्स के साथ साथ थंडर बोल्ट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं अर्थ को बचाने के लिए और साथ ही कैप्टन अमेरिका और थॉर भी इन सुपर हीरोज को ज्वाइन करते हैं और ये पूरी आर्मी या टीम स्क्रल से लड़ना शुरू करती है। स्पाइडरमैन अभी तक इस फाइट का हिस्सा नहीं बना था क्योंकि वो सोच रहा था कि ये फाइट इतनी बुरी भी नहीं है, एवेंजर्स जीत जाएंगे क्योंकि अगर अर्थ खतरे में होती तो द वॉचर अभी तक अर्थ पे आ गया होता। पर तभी ऐसा ही होता है और द वॉचर अर्थ पे आ जाता है एवेंजर्स को वार्न करने के लिए कि स्क्रल्स के पास एक वेपन है। वही जेसिका जोन्स इस फाइट को एवेंजर्स टावर से सुपरवाइज कर रही होती है। जेसिका जोन्स की
शादी इस टाइम ल्यूक के से हुई थी और उनका एक बच्चा भी था। बट एवेंजर्स को ऑन स्क्रीन हारता देख वो खुद भी फाइट करने निकल पड़ती है और अपने बच्चे को जार्विस के हवाले करती है, जो कि हमें एक्चुअली पता है कि एक स्क्रल है। अर्थ के हीरो स्क्रल आर्मी पे बारी पड़ने लगते हैं, जहां क्लिट बार्टन एके रोनन स्पाइडरमैन पे अटैक करता है। स्पाइडरमैन पे अटैक करता है अपने एरो से, बट उसे मारने में सक्सेसफुल नहीं होता। और जैसे ही एवेंजर्स को लगने लगता है कि स्क्रल्स हारने वाले हैं, तो वो अपने सीक्रेट वेपन को शो करते हैं, जो कि है वास्प। एक्चुअली हैंक पिम वाला स्क्रल इस इन्वेजन के बहुत टाइम पहले से ही वास्प को एक अल्टर्ड ग्रोथ फार्मूला दे रहा था, और जैसे ही वो अपना वेपन एक्टिवेट करते हैं वास्प का साइज चेंज हो जाता है और वो केमिकल बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसके इर्द गिर्द सारे सुपर हीरो बीमार होने लगते हैं और स्क्रल्स इस फाइट को जीतने लगते हैं। बट एट लास्ट थॉर अपने हैमर से एक जैन टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वास्प गिर जाती है और मारी जाती है। और ये देखने पे सारे एवेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो स्क्रल क्वीन पे अटैक करने लगते हैं। बट किसी भी एवेंजर के कुछ करने से पहले ही थंडरबोल्ट का लीडर नॉर्मन ऑसबॉर्न स्क्रल क्वीन को शूट करके मार डालता है और बाकी एवेंजर्स बचे कुछ स्क्रल्स को हरा देते हैं और डिफरेंट स्क्रल शिप्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां उन्हें शिप पे सारे किडनैपर्स के सुपर हीरोज मिल जाते हैं। अब जेसिका जोन्स जहां जार्विस को देखती है, जिसे उसे पता चलता है कि जिस जार्विस के हवाले उसने अपना बच्चा किया था वो तो स्क्रल था, और वो एवेंजर्स टावर वापस आती है, पर दोनों स्क्रल जार्विस और जेसिका का बच्चा मिसिंग होता है। वहीं इस फाइट के आफ्टर मैथ में टोनी थॉर से बात कर रहा होता है, जहां थॉर उसे कहता है कि ये इन्वेजन तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तुमने सिविल वॉर शुरू करवाया और दूसरा इस टाइम तुम दोनों शील्ड के हेड और एवेंजर्स के लीडर भी थे। स्टिल उसे इस इन्वेजन के बारे में कुछ कैसे नहीं पता चला, और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी करता है। और टोनी को शील्ड के डायरेक्टर और एवेंजर्स के लीडर की पोस्ट से हटाया जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पोजीशन दी जाती है, क्योंकि उसने ही स्क्रल क्वीन को मारा था। नॉर्मन ऑसबॉर्न पूरे एवेंजर्स और शील्ड को रिब्रांड करता है थंडरबोल्ट नाम के साथ और अपने सुपर विलन दोस्तों के साथ अपनी नई पावर कैसे यूज करनी है डिस्कस करने लगता है। और इसके बाद मार्वल कॉमिक्स का एक नया स्टोरी इवेंट डार्क रेन शुरू हो जाता है, जहां हम नॉर्मन ऑसबॉर्न के एवेंजर्स को एक्शन में देखते हैं। सो ये तो थी सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी इन शॉर्ट फॉर्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये फुल कॉमिक पढ़ना चाहते हो, मार्वल कॉमिक्स को सपोर्ट करना चाहते हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इस कॉमिक बुक का लिंक भी दिया होगा, जहां से आप कॉमिक बुक बाय करके खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारी दूसरी वीडियो आने तक। क्या आप जानना चाहते हो कि आयरन मैन एक कॉस्मिक गॉड कैसे बना, उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर क्या आपको पता है कि एवेंजर्स एक स्टोरी लाइन में विलन्स भी थे, उस स्टोरी को जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।